नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू में। मेरा नाम आशीष चौरसिया और यहाँ शिक्षण कौशल और अभिवृत्ति के ऊपर आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। उन प्रश्नों में से आपका क्या स्कोर रहा कमेंट बॉक्स में लिखना है, साथ साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और रात 9 बजे और 10 बजे लाइव क्लासेस आप लोग जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 22, 23 या 26 या 21? तो संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। आगे हम चले क्वेश्चन नंबर 2 में। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। तो देखिए, ए ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, बी कक्षा में प्रथम आने वाले को पुरस्कृत करके सीखने हेतु उचित स्थिति एवं वातावरण का सृजन करके, कक्षा में बच्चे की प्रशंसा करके। तो राइट आंसर आप भी जानते हैं, यहाँ पर 142 का जो होगा वो, तो राइट आंसर होता है आपके सामने सी। और अगला क्वेश्चन है, सकारात्मक दंड को निम्न में से कौन सा उदाहरण है। देखिए, सकारात्मक दंड, मित्रों का उपहास करना, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेघ निकालना बंद करना, उपयुक्त में से सभी। आई थिंक आप राइट आंसर यहां पर जाएंगे तो मित्रों के साथ उपहास करना ये सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। देखिए, बालकों में अभिप्रेत करने के ना कई साधन होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं नकारात्मक भी होते हैं। सकारात्मक क्या होता है, जैसे आप किसी बच्चे की प्रशंसा करें, उसको शाबाशी दें, किसी प्रकार का पुरस्कार दें, तो ये होते हैं सकारात्मक अभिप्रेरित करने के कुछ तथ्य। और नकारात्मक क्या होते हैं, अगर आप उसे दंड दे दें, उसका उपहास करें, उसकी हंसी उड़ाएं, तो ये सारे जो होते हैं ना, ये क्या होता है आपके नकारात्मक होते हैं। तो इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 से 46 में किसके कल्याण से संबंधित बातें कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 144, तो राइट आंसर यहां पर होगा आपका विकलांग व्यक्ति के, और साथ साथ में यहां पर आपको STSC जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनसे संबंधित भी इन अनुच्छेदों में आपको कल्याण की बातें मिल जाएगी। आगे हम चले, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया के कार्यभाग किसे माना है, अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को या पाठ्यक्रम को। 145 नंबर का प्रश्न है, तो उन्होंने माना हुआ है शिक्षक को। अगला क्वेश्चन, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए। तो देखिए, शिक्षक को गृह कार्य की जांच एक नियमित रूप से करना चाहिए ताकि वो बच्चों की कमजोरियों का पता लगा सके। व्यक्ति से संवाद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो जब व्यक्ति से संवाद होता है तो उसे कहते हैं संप्रेषण। क्या कहते हैं, संप्रेषण कहलाती है। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है, तो देखिए, छात्रों को अगर आप प्रेरित करना चाहते हैं तो सबसे सही विधि है उनकी प्रशंसा करना। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रदर्शित या प्रवर्तित किए जा सकते हैं, तो वो अधिकार है आपके बी मौलिक अधिकार, सभी जानते हैं, हमने अच्छा डिस्कशन भी किया था एक बार। प्रजातांत्रिक नेतृत्व के अंतर्गत अधिकारों में पाया जाता है, तो जो प्रजातांत्रिक नेतृत्व होता है उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो अधिकारों में ना विकेंद्रीकरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विकेंद्रीकरण, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान पर अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, तो वो किया गया है अनुच्छेद 14 में, सभी जानते हैं और वह इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आगे हम लेकर चले आपको कक्षा में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका कैसी होती है, एक नेता के रूप में होती है, एक परामर्शदाता के रूप में होती है, एक निर्देशक के रूप में होती है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर यहां पर आपको मिलेगा ए, नेता के रूप में। क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा सहमत नहीं होंगे जानता हूं इस विकल्प से, पर आप लोग को बता दूं यहाँ पर अगर परामर्शदाता भी होता है, निर्देश करता भी होता है, अगर यहाँ उपयुक्त सभी लिखा होता तो बिल्कुल सही होता, अगर नहीं लिखा है तो आपको एक नेता के रूप में लेना होगा, क्योंकि नेता ये सारे कार्य कर सकता है। तो शिक्षक जो होता है ना, अपने वर्ग का एक नेता ही होता है। आगे हम चले, विद्यालय का कार्य होता है, तो आई थिंक यहाँ पर आप देखेंगे तो ये सभी, संस्कृति का संरक्षण करना, संस्कृति का परिष्करण करना, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण करना, ये तीनों ही कार्य विद्यालय के होते हैं। स्कूलों में अधिकतर शिक्षक में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है, स्नेह का, क्रोध का, दोषारोपण का या घृणा का। 144 की अगर हम बात करेंगे तो घृणा का अभाव बहुत नहीं पाया जाता है कहना चाहिए।
कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। तो 145 का डी राइट आंसर होगा, उद्देश्य केंद्रित। कक्षा कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य जो संप्रेषण होना चाहिए ये उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, ताकि जो विषय वस्तु से संबंधित समस्या है उसका उपचार आसानी से हो सके, बच्चे लोग मतलब जो भी समस्याएं हैं उसका उपचार सही ढंग से कर सके। पुरस्कार बालक में क्या उत्तेजित करते हैं? देखिए यहाँ पे मनोबल सुख को या अहम को, तो आई थिंक आप यहाँ पर 146 का कहेंगे अहम। पुरस्कार जो है ना बालकों में ना एक प्रकार अहम उत्तेजित करते हैं, नोट डाउन करना है इसे। कक्षा कक्ष में वातावरण होना चाहिए, कक्षा कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए, शोरगुल से भरा होना चाहिए, अनुशासन पूर्ण होना चाहिए या होना चाहिए मित्रतापूर्ण। तो आई थिंक यहाँ पर आप लोग कहेंगे डी राइट आंसर, बिल्कुल यहाँ पर कक्षा कक्ष का जो वातावरण है वो मित्रतापूर्ण होना चाहिए। दंड की तुलना में पुरस्कार अत्यंत प्रबल है, खालिस्तान। तो 148 राइट आंसर होगा, दंड की तुलना में जो पुरस्कार है ना अधिक प्रबल प्रेरण है, जो अधिक कहना चाहिए पुरस्कार जो है, दंड अगर आप देते हो तो बच्चा उतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं होता है जितना कि आप पुरस्कार देते हैं जब वो मोटिवेट होता है। आगे हम यहाँ पे चलें, मूल्य ऐसा व्यवहार है जिसकी हम दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करते हैं, ये कथन किसका है? 149, तो ये निशा शर्मा जी के अनुसार ये कथन दिया गया है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि मूल्य ऐसा व्यवहार है जिसकी हम दूसरों के लिए अपेक्षा करते हैं, ये निशा शर्मा जी का कहना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, उपेक्षित और तिरस्कृत बालकों के साथ शिक्षा की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो राइट आंसर होगा, एक सलाहकार के रूप में आपकी एक शिक्षक की भूमिका वहां पर होनी चाहिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आई थिंक आपको अच्छे लगे हों, अगले भी आगे क्वेश्चन आने रह गए हैं। इससे पहले कहूंगा भाई वीडियो को लाइक कर दें और लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मौलिक अधिकार क्या है? कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए मौलिक अधिकार को आप निलंबित कर सकते हैं, केवल आपातकालीन की स्थिति जब आती है तो मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद जो 358 और 359 में मूल अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान आपको देखने को मिल जाते हैं। तो याद रहेगा अगर पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार का निलंबन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो वो होगा 358 अनुच्छेद होगा, 358 से लेकर 359 के बीच का अनुच्छेद होगा वो। आगे हम यहाँ पे चले, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा है? तो आप सभी जानते हैं कि 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो 21A या 21K के तहत ये दिया गया है, और राइट आंसर आपको मिल चुका है यहाँ पर, क्या होगा? बी, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए, और अनुच्छेद अगर आपसे कोई पूछे तो 21 का आप बता सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? 143 नंबर का, तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि शिक्षण एक अनुवेशन है, तो ये सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए, शिक्षण केवल यहाँ पर एक अनुवेशन नहीं है, बल्कि शिक्षण जो है सहचर की भूमिका निभाता है। अगर यहाँ पर सहचर लिखा हुआ होता तो वो हम सही कथन मान सकते थे। आगे हम चले, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरण का परिणाम नहीं है? 144 और राइट आंसर आपके सामने देखिए यहाँ पे होगा जी, सांस लेना प्रक्रिया में रुचि दिखाना प्रारंभ कर दिए। देखिए भाई सांस लेना कोई रुचि की प्रक्रिया नहीं है, ये तो आपके जीवन से मृत्यु तक चलते रहती है, सांस तो आपको लेनी पड़ती है आपकी रुचि हो या ना हो, तो इसीलिए कथन बिल्कुल सही है यहाँ पर। आगे हम लेकर चलते हैं 145 नंबर का, निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करता है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा सी, विद्यार्थियों और उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना जो है, ये बिल्कुल यहाँ पर सही कथन मिलेगा आपको। चलते हैं हम 146 नंबर के प्रश्न में लेकर आपको, और आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, मेधावी हैं, तो उन्हें आप कैसे पढ़ाएंगे? सभी लोग जानते हैं ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए समृद्धकरण कार्यक्रमों का सहारा लेना पड़ता है, तो दैट इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ क्या होता है? क्या विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण करना, तो देखिए संप्रेषण का तात्पर्य ये होता है कि आप विद्यार्थियों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करें, इसे आप संप्रेषण की संज्ञा देते हैं। एक उत्तम कक्षा कक्ष में शिक्षक क्या करता है? 148, तो देखिए छात्रों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करता है, बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ए होगा,
और 149 विद्यार्थी को दिए जाने वाले परामर्श की सर्वाधिक उपयोगिता वह है कि 149 राइट आंसर यहाँ पे सी होगा, उनमें आत्मविश्वास की अगर वृद्धि हो जाए ना तो ये सबसे ज्यादा उपयुक्त कथन होगा। परामर्श का एक मतलब सबसे ज्यादा बड़ी उपयोगिता होगी कि बच्चों में आत्मविश्वास आप भर पाए, तो 149 का अगर हम देखें तो सी होगा। 150 नंबर में चलते हैं, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व आपको क्या करना चाहिए। देखिए एक ऐसा वातावरण आपको वहां जनरेट करना चाहिए जिसमें बच्चा जो है ना आसानी से सुगमता से सीख सके। अगर आप एक ऐसा वातावरण बनाते हैं तो बच्चा ज्यादा प्रभावी ढंग से सीख पाएगा। तो बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करना सबसे पहला चरण होगा ये शिक्षा से पूर्व। तो आई थिंक आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। रात 9 बजे रात 10 बजे लाइव क्लास में मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता हूँ आपसे रात 9 बजे लाइव क्लास में।